हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिए फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ जॉब रिलेटेड वीडियो। तो फिर आज हम बात करेंगे ह्यूंडई, जो कि कार कंपनी है इंडिया में, बहुत दिनों से यहाँ पे बहुत सारे जो कि काम कर रहा है। तो अगर इस कंपनी में आपका जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इस साल में। और अगर आपके पास जो कि इस कंपनी के साथ काम करने की अगर इच्छा है, ड्रीम है, तो यहाँ पे जो कि बहुत सारे रिक्रूटमेंट है, आप लोग वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो कि ड्रीम जॉब है आप पा सकते। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा कि आप ह्यूंडई कंपनी में किस तरह की जॉब जो कि निकला हुआ है और किस तरह की क्वालिफिकेशन है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सब कुछ ऑल डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो कि गूगल में जाकर इस वेबसाइट को, आपको जो कि इस पेज को, जो वेबसाइट है, आपको ये क्लियर मतलब लॉगिन करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको जो इसका लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस पेज के आने के बाद आप लोगों को इस तरह की कुछ पेज दिखाई देगा, करियर ऑप्शन के जो कि पेज है। आपको इस पेज में आने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे जो कि लिखा हुआ है जॉब पोस्टिंग, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जॉब पोस्टिंग में क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, या इसमें और एक पेज जो कि ओपन होगा। इस पेज में आपको जितनी जो कि जो जो मतलब रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इस रिसेंटली जो जो रिक्रूटमेंट निकला है ऑल इंडिया के बेसिंग में, आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, नीचे आने के बाद आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पावर ट्रेन ट्रांसमिशन लाइन सुपरवाइजर, जो कि चेन्नई है इसका पोस्ट। इसके साथ साथ इस जो पोस्ट के लिए आपको चाहिए, आपको सॉफ्ट स्किल मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए, माइंड पावर मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सॉफ्ट स्किल। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि लिखा है आप लोग यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे और भी जो कि रिक्रूटमेंट निकला है, सिक्योरिटी मैनेजर, हेड ऑफ सेक्शन चेन्नई, इसके बाद लीगल एंड सेक्रेटरियल एग्जीक्यूटिव चेन्नई। तो इस तरह से और भी कुछ जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो जॉब निकला है। इस पर अगर इस पेज में अगर कोई क्वालिफिकेशन आपके साथ मैच नहीं है, आप नेक्स्ट करके और भी जो कि जॉब है आप लोग रिक्रूटमेंट है आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर इस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते या इस जॉब के लिए आपको क्वालिफिकेशन जो कि है मैच करता है, तो अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते आपको क्या करना होगा, आपको जस्ट आपको यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है, आप जिसकी पोस्ट में अप्लाई करना है उस पोस्ट के ऊपर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको और एक दूसरा जो कि पेज ओपन होगा, उस पेज में आप लोग देख सकते पहले ही लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। तो आपको अप्लाई नाउ में आपको क्लिक करना होगा। तो उसके बाद उसके पहले आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा जॉब टाइटल क्या है, जॉब डिजिग्नेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, सैलरी क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, सब कुछ एक बार चेक कर लेना। उसके बाद जो अगर आपको लगता है कि इस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ में आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो कि एक पेज आएगा, साइन इन करने के बोलेगा। अगर आपके पास पहले से कोई नहीं है, अकाउंट नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, रजिस्टर में क्लिक करना होगा। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद आपको एक और पेज आएगा, जिस पेज में आपको ये फॉर्म आएगा, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। तो पहले मैं इस फॉर्म को मैं फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। ओके फ्रेंड, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो कि रजिस्टर कर चुका हूँ। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे और एक पेज आएगा, जिस पेज को आपको फिलअप करना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या क्या देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, जेंडर सिलेक्ट करना होगा, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना, और आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका क्या चाहते हैं, किस तरह की सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं उस कंपनी से, आपको वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके साथ साथ स्किल, आपके स्किल क्या है, जॉब फंक्शन क्या है,
करंट लोकेशन आपका क्या है, प्रेफर्ड लोकेशन आपको क्या है, और आपके उसके बाद आपको अपलोडेड रिज्यूम आपको देना होगा। मतलब आपको एक रिज्यूम जो कि है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव कर देना होगा। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे जो कि नेक्स्ट पेज आएगा, नेक्स्ट पेज आपको क्या रहेगा, एडुकेशन के जो पेज आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडुकेशन के बाद आपको आपको जो कि पेज आएगा, आपको यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन, आप किसकी कौन सी कोर्स में आप कंप्लीट किए हो, बीए बीएलआर और जो भी आपके क्वालिफिकेशन आपको वहाँ पे देना होगा। आपको स्पेशलाइजेशन क्या है आपको यहाँ पे देना होगा। उसके साथ साथ आपका परसेंटेज क्या है, कॉलेज या स्कूल नेम क्या है, यूनिवर्सिटी बोर्ड आपका क्या है, कोर्स टाइप आपका क्या है, फुल टाइम पार्ट टाइम या कॉरेस्पोंडेंस आपको क्या है, आपको सब कुछ यहाँ पे देना होगा। किस ईयर में आप पास किए हो आपको वो भी यहाँ पे देना होगा। तो इसके ये सब जो कि डिटेल आपको भर के आपको जो कि है आपको फिर से आपको सेव या सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कि एम्प्लॉयमेंट है आपको इस पेज में इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके क्लिक करने के बाद आपको और एक पेज आएगा जिस पेज में आपको कंपनी नेम, करेंट प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेशन और वर्किंग सिंस, मतलब अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, आप पहले कुछ कंपनी से आप क्या मतलब काम किए हो, तो आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको देना होगा। देने के बाद आपको यहाँ पर जो कि सबमिट बटन है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। तो सबमिट बटन के क्लिक करने के बाद आपका जो कि डिटेल्स है या आपका जो फॉर्म है वो चला जाएगा कंपनी के पास। उसके बाद अगर आपका CV या आपका जो क्वालिफिकेशन उनके ये पोस्ट के साथ अगर मैच करता है, तो कंपनी के तरफ से आप के पास या आपके पास कोई ईमेल या कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपका जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा कंपनी। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा। तो अगर आप दो जो कि है क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम में अगर इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन में अगर क्वालिफाई करते हो, तो उसके बाद आपको ये जॉब मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप Hyundai के जो कि एक बड़ा सा कार कंपनी है इसके अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो इसके अलावा आप अगर Hyundai के ऑफिशियल जो कि करियर पेज में अगर जाते हो, तो आप वहाँ पे ऑल्ड वर्ल्ड जो कि आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो तो बाहर के फॉरेन में जाके आप काम करना, आप लोग वहाँ से जाके भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये था जो कि आज का वीडियो Hyundai के कार कंपनी के जो रिसेंटली जो रिक्रूटमेंट आया है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें ये वीडियो और लाइक कीजिए मेरा इस वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स।